ऑब्जर्विंग दिस सेल्फ बाय दिस सेल्फ, और उसको हम लोगों ने बहुत निर्णय पूर्वक किया, क्योंकि देखने वाला तो सेल्फ ही है, ऑब्जर्व करने वाला तो सेल्फ ही है ना, मैं ही हूँ, तो मुझे अपने को पहले देख लेना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अपने को नहीं देखता हूँ, अपने को नहीं जानता हूँ, तो जिस और चीज़ों को जानने जाता हूँ उसमें मेरा जानने का प्रक्रिया ही ठीक है कि नहीं पता नहीं। सो वेदर द वेरी प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट और नॉट, आई वुड नॉट नो अनलेस आई नो माई सेल्फ फर्स्ट। तो इसलिए कहा था कि पहले अपने को ही देखने से काम शुरू करते हैं, है ना, सेल्फ को देखने से, स्वयं को देखने से, मैं को देखने से, चैतन्य को देखने से। तो चैतन्य के द्वारा चैतन्य को देखने का काम हम लोग शुरू किए थे, सेल्फ के द्वारा मैं के द्वारा मैं को देखने का, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का काम शुरू किए थे। और उस पर पिछले करीब करीब दो अलग अलग ग्रुप के साथ ये काम हुआ था, एक के साथ तो महीने भर से ज्यादा हो गया है, दूसरे के साथ भी करीब 10-12 दिन हो गए हैं। तो इस काम को भी किया हम लोगों ने, और उसके जो भी एक आउटकम आया उसको शेयर भी किया हम लोगों ने। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पर मूव करना चाह रहे हैं कि अब हम बॉडी को देखना चाह रहे हैं, शरीर को देखना चाह रहे हैं, और शरीर के साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है उसको देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड को फिर से लौट कर देखें कि जब पहले दिन ही हम लोगों ने चर्चा की थी, पहले दो दिन जब इंट्रोडक्शन की बात की थी, तो उसको अगर देखेंगे तो पूरा जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसको देखेंगे तो ये बात कहा था कि हमारे एक्सरसाइज का टारगेट जो है वो जीना है, सुखपूर्वक जीना है, निरंतर सुखपूर्वक जीना है। और ऐसा जीने के लिए हमको तीन चीज करना जरूरी है। एक तो राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ को सुनिश्चित करना जरूरी है, दूसरा राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन द सेल्फ को इंश्योर करना जरूरी है, और तीसरा इस बात का कॉम्पिटेंस डेवलप करना जरूरी है कि हम बाहर के दुनिया के साथ भी हम ठीक से जी सकें। ये तीन चीजें अगर हम कर लेंगे तो हम अपने में निरंतर सुखी रह सकते हैं। इस पर बहुत सारा अध्ययन हम लोगों ने यूएसपी के कोर्स 1-2 सब पर किया है, उसको सब मेंशन किया था हम लोगों ने बिगनिंग में। फिर ये कहा था कि अब जो हमको करना है उसके तहत तीन काम, ये फिर से उसको हम लोगों ने रीराइट किया था कि जो पूरी अस्तित्व है, क्योंकि हमारा जीना पूरे अस्तित्व तक फैला हुआ है, इसलिए पूरे अस्तित्व को समझना है, पूरे अस्तित्व के संबंध में हमारा भाव विचार को ठीक करना है, और इनके साथ ठीक ठीक जीने का योग्यता हमको विकसित करना है। इसमें से दो चीजों पर हम लोग आगे फोकस करेंगे, ऐसा हम लोगों ने कहा था। एक तो इस पूरे अस्तित्व के बारे, जिसमें स्वयं से लेकर शरीर, परिवार, समाज, प्रकृति, पूरा अस्तित्व तक, है ना, को हम समझने का काम करेंगे, और ये समझने का काम सेल्फ में होगा, ये कहा था। दूसरा कहा था कि इनको समझ लिया तो इनके साथ हमारा जीने में भाव और विचार ठीक हो जाए, इसके लिए काम करेंगे। उसी को दूसरी भाषा में कहा कि फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, हारमोनी एंड कोएग्जिस्टेंस इन दिस सेल्फ। तो ये दो काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंशियल रियालिटी एंड राइट फीलिंग एंड राइट थॉट विद द एग्जिस्टेंशियल रियालिटी। ये दो काम हम लोग कर रहे हैं। उसी काम को जब फैला कर देखा, है ना, कि राइट अंडरस्टैंडिंग का स्कोप क्या है और उसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो ये लिखा कि टू लिव विद फुलफिलमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अस्तित्व में हम ठीक ठीक जी सकें, सुखपूर्वक जी सकें, निरंतर सुखपूर्वक जी सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम चीज़ों को समझ सकें, समझने के लिए आवश्यक है कि हम उस पर ध्यान दे सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें, और उसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आवश्यक है कि हम उस पर ध्यान दे सकें। तो जीने के लिए समझना जरूरी है, समझने के लिए देखना जरूरी है, देखने के लिए ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे रियलिटीज पर एक एक करके ध्यान दें, ये बात कही थी। अब एक एक चीज पर ध्यान देना है, तो ये सारी चीजें क्या है जिस पर हमको ध्यान देना है, उसके बारे कहा कि पूरा अस्तित्व जो है पर हमको ध्यान देना है।
तो ये दो बातें कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन क्या है और प्रोसेस ऑफ पेइंग अटेंशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में यह कहा था कि अगर पूरे अस्तित्व को देखें तो हमको समझने के लिए पूरा अस्तित्व ही है, ठीक, सेल्फ से लेकर पूरे अस्तित्व तक को हमको समझना है। और इस पूरे अस्तित्व को देखें तो उस अस्तित्व के रूप में कोएग्जिस्टेंस के रूप में दिखता है, और इस कोएग्जिस्टेंस को देखें तो शून्य और शून्य में संपृक्त इकाइयों के रूप में दिखता है। उसी को अगर आप फैलाकर देखें तो तीन प्रकार की वास्तविकताएं हमको दिखती हैं। एक तो कॉन्शियसनेस दिखता है सेल्फ, दूसरा मटेरियल दिखता है, एग्जांपल के लिए शरीर दिखता है हमारा जो मटेरियल यूनिट है, और कोएग्जिस्टेंस दिखता है। और कोएग्जिस्टेंस को देखने जाएंगे तो उसमें स्पेस का होना दिखता है। इसलिए तीन चीजों को हमको समझना है, कॉन्शियसनेस को समझना है सेल्फ को, मटेरियल को समझना है मटेरियल यूनिट्स को, उसको समझने के क्रम में बॉडी को समझना है एज एन एग्जाम्पल, और फाइनली कोएग्जिस्टेंस को समझना है, स्पेस को समझना है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस काम को तीन एक्सरसाइज के तहत करेंगे। पहले एक्सरसाइज में सेल्फ को समझने का काम करेंगे, कॉन्शियसनेस को समझने का काम करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज में मटेरियल को, जड़ को समझने का काम करेंगे, उसके उदाहरण के रूप में शरीर को पर काम करेंगे देखने का। और तीसरा पूरे अस्तित्व को समझने का काम करेंगे, और अस्तित्व को समझने के क्रम में स्पेस शून्य को समझने का काम। इतनी बात हम लोगों ने पहले कही थी और यहीं से पैकअप किया था कि पहले एक्सरसाइज में हम लोग सेल्फ के द्वारा सेल्फ को समझने का काम करेंगे, और उस काम को हम लोगों ने शुरू किया था और पिछले 10-12 दिन उसको किया हम लोगों ने। अब एक्सरसाइज 2 पे काम शुरू कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि मैं मेटीरियल चीजों को, जड़ चीजों को, भौतिक रासायनिक चीजों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसके एग्जाम्पल के रूप में बॉडी को हम लोगों ने लिया, क्योंकि बॉडी हमारे सबसे नजदीक है, हमारा रोज का हर क्षण का इंट्रैक्शन चल रहा है बॉडी के साथ, तो उसको समझना ज्यादा आसान होगा। पहले तो हम सबसे नजदीक हमारे हम खुद ही हैं सेल्फ, तो उसको समझा। अब उससे आगे जाते हैं तो शरीर है, तो शरीर को समझने का काम कर रहे हैं, शरीर के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उसको समझने का काम कर रहे हैं। तो 2 का जो काम है वो बेसिकली ये है कि सेल्फ के द्वारा अब शरीर को समझने का, और उसके आगे चलेंगे तो मेटेरियल वर्ल्ड को समझने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 2 का प्लेसमेंट है, जिसको हमको रिकॉल कर लेना चाहिए कि समझना तो 3 चीजों को है, कॉन्शियसनेस को, सेल्फ को, फिर मटेरियल को, बॉडी को, और फिर पूरे कोएग्जिस्टेंस को और उसमें स्पेस को। इसमें से एक्सरसाइज 1 के तहत हमने कॉन्शियसनेस को समझने का काम किया है और उस पर काम जारी है। अब स्टेप 2 में हम लोग मटेरियल को समझने का काम करना चाहते हैं, उसके एक एग्जाम्पल के रूप में शरीर को समझना चाहते हैं, शरीर पर ध्यान देना चाहते हैं, शरीर को देखना चाहते हैं, उसके लिए काम हम लोग शुरू करेंगे। तो ये प्लेसमेंट है, इस प्लेसमेंट के संदर्भ में कोई इमीडिएट प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेप 2, एक्सरसाइज 2 में हम लोग सेल्फ के द्वारा बॉडी को देखने का काम कर रहे हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे तो बॉडी के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है सेल्फ का, उसको देखने का काम कर रहे हैं। और ये रिमाइंडर तो चलता ही रहेगा कि जो भी बात हम लोग कर रहे हैं, जो भी मेथड की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो एक तरीका है चीजों को देखने का, एकमात्र तरीका नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। इसी तरह से जो स्टेप्स हम लोग वर्कआउट करेंगे वो एक सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो यूजफुल हैं, बट एकमात्र
सेट ऑफ स्टेप नहीं है। तो देखना शुरू करते हैं एक्सरसाइज वन के, एक्सरसाइज टू के पहले स्टेप को अगर देखेंगे। इतना बैकग्राउंड और हम आपको ध्यान दिला देते हैं, जो आप सब लोगों ने इस पर बहुत सारा मतलब ध्यान दिया ही है और बहुत सारी स्टडी की है, तो मैं उसको बहुत रिपीट नहीं करूंगा। हम लोगों ने पहले ही कोर्स में इस बात को स्टडी किया था कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, इट इज नॉट जस्ट द सेल्फ, इट इज नॉट जस्ट द बॉडी, इट इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ इज एन यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस, बॉडी इज एन यूनिट ऑफ मटीरियल। तो इसको हम लोगों ने बहुत विस्तार से अध्ययन किया था, तो मैं उसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट रिमाइंड कर दे रहा हूँ, आप उसको वापस रिफ्रेश कर लें, रिकॉल कर लें, कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात कही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि हमारे और शरीर के बीच, सेल्फ और बॉडी के बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो केवल सूचनाओं का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं शरीर को कोई संकेत देता हूं, मैं शरीर से कोई संवेदना को पढ़ता हूं, इतना ही हमारे और शरीर के बीच का ट्रांजेक्शन है, बीच का आदान प्रदान है। ये सब बातें पहले हम लोगों ने अपने में पढ़ा है, उसको जांचा है, परखा है, उस पर अभी काम चल ही रहा है। लेकिन अब ये सब चीजों को हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे, बट बैकग्राउंड में आपके रहे अगर तो ज्यादा आसान होगा, कि जो भी डिटेल्स हम लोगों ने, जो भी एनालिसिस हम लोगों ने की, विश्लेषण किया है और उस पर अभी ध्यान देने का काम कर रहे हैं, तो अगर वो सब बैकग्राउंड में रहेगा तो हमारे लिए आसान होगा। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग स्टेप वन पर काम शुरू करते हैं। स्टेप वन अगर एक्सरसाइज वन का देखेंगे तो उसका मतलब था कि हम अपने सेल्फ के प्रति, सेल्फ में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसके प्रति अवेयर हो रहे हैं। एक्सरसाइज टू में देखेंगे तो अब हम दोनों के प्रति अवेयर हो रहे हैं, सेल्फ के प्रति भी अवेयर हो रहे हैं और बॉडी के प्रति भी अवेयर हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज वन में, स्टेप वन में हम सेल्फ के प्रति अवेयर होने का काम कर रहे थे, इस बात को देखने का काम कर रहे थे डायरेक्टली कि सेल्फ इज ए रियलिटी। अब स्टेप एक्सरसाइज टू में ये कह रहे हैं कि देर आर टू रियलिटीज, वन इज द रियलिटी ऑफ सेल्फ, द अदर इज द रियलिटी ऑफ बॉडी, और मैं इन दोनों को ध्यान दूंगा तो देख सकता हूं। तो इसमें लिखा है ऑब्जर्विंग द सेल्फ एंड द बॉडी बाय द सेल्फ, ये स्टेप वन में हमको काम करना है, सेल्फ को भी देखना है, बॉडी को भी देखना है, दोनों को देखना है, और देखने वाला मैं सेल्फ हूँ, खुद ही हूँ, मुझे ही देखना है। ये जब हम अपने को देखने जाते हैं तो ये दो बातें दिखती हैं, एक दिखता है आई एम, मैं हूँ, मैं हूँ, इस बात का पता चलता है। कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग माई एक्टिविटीज, माई इमेजिनेशन, अपने कल्पनाशीलता को देखने के आधार पर मेरे में जो क्रियाएं चल रही हैं, इच्छा विचार आशा की, भाव विचार की, उसको देखने से हमको पता चलता है कि मैं हूँ। ये पता चलता है कि सेल्फ इज ए रियलिटी, इट एग्जिस्ट, इट इज एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। इस काम को हम लोगों ने एक्सरसाइज वन में बहुत अच्छे से किया है, तो अब तो दिखने लगा होगा हमको कि भाई मैं भी एक वास्तविकता हूँ, एक रियलिटी हूँ, है ना, और मेरे में निरंतर अपनी कल्पनाशीलता चली रही है। तो उस कल्पनाशीलता को ऑब्जर्व करके हम तय कर पाते हैं कि मैं एक वास्तविकता हूँ, मैं एक रियलिटी हूँ और मैं अपने को देख सकता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि शरीर को भी हम देख सकते हैं अगर शरीर पर ध्यान दें तो, और जो शरीर में दिखता है उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शरीर भी एक वास्तविकता, एक रियलिटी है।
शरीर को कैसे देखेंगे, उसके लिए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्विंग सीइंग और रीडिंग सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी। शरीर में होने वाली किसी संवेदना को पढ़ने के आधार पर हम ये कह पाते हैं कि शरीर भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको अपने में देखिए कि हमको अपने शरीर के होने का पता कैसे चलता है। तो उसको मैं दो बातें बता देता हूं, उसको आप जांच लीजिए। जब हमारी आंखें खुली हैं, आंख के माध्यम से मैं शरीर का रूप देखकर कहता हूं कि शरीर है। अब इस पर एक प्रयोग करें कि आंख बंद कर ले, अब हमको दिखता है कि नहीं कि शरीर है। अगर दिखता है तो कैसे दिखता है? तो इसको देखने जाएंगे तो यह पता लगता है कि शरीर में कोई संवेदना हो रही है, उसको पढ़ने के आधार पर मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि शरीर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब मैंने आंख बंद कर लिया, अब शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं भारीपन लग रहा है, कहीं हल्कापन लग रहा है, कहीं ठंडक लग रही है, मैं उसको देखता हूं, उस पर ध्यान देता हूं, उसको देखता हूं और उस संवेदना को देखने के आधार पर मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि शरीर भी है। लेकिन दोनों ही केस में देखने वाला है ना, तय करने वाला तो सेल्फ ही है। सेल्फ की कल्पनाशीलता को देखकर सेल्फ यह तय कर पाता है कि मैं हूं या सेल्फ है। इसी तरह से बॉडी की सेंसेशन को पढ़कर सेल्फ यह तय कर पाता है कि बॉडी भी कोई एक वास्तविकता है, कोई एक रियलिटी है। तो स्टेप वन इतना सिंपल है, एक्सरसाइज टू का स्टेप वन इतना सिंपल है। एक्सरसाइज वन के स्टेप वन में सिर्फ इतना कर रहे थे कि सेल्फ को देख रहे थे, सेल्फ में चलने वाली कल्पनाशीलता को देख रहे थे, उसके आधार पर सेल्फ है इसका निष्कर्ष निकाल रहे थे। अब इस एक्सरसाइज टू के स्टेप वन में इतना और ऐड करेंगे कि शरीर के में होने वाली संवेदना को देखेंगे, जो भी संवेदना चल रही है, जैसे भी चल रही है, उसके प्रति होश में रहेंगे, अवेयर रहेंगे। उसके साथ साथ शरीर में जो भी संवेदना हो रही है उसको देखेंगे और उसके प्रति हम अवेयर रहेंगे। अगर ऐसा हम अवेयर रहते हैं तो हम ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि शरीर भी है। तो मैं का होने का निर्णय मैं में होने वाली कल्पनाशीलता एक्टिविटी ऑफ इमेजिनेशन के आधार पर मैं देख पाता हूँ, तय कर पाता हूँ कि मैं हूँ, चैतन्य है, सेल्फ है। इसी तरह से शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़कर मैं तय कर पाता हूं कि शरीर भी है। तो कोई ना कोई संवेदना शरीर में हो रही है जिसको मैं पढ़कर निष्कर्ष निकालता हूं कि शरीर भी है। आप अपने में इसको प्रयोग करके देखिए कि अगर शरीर से कोई संवेदना को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उस समय कैसे तय होगा कि शरीर है भी कि नहीं। इसको जांचिएगा, है ना, कि जब आप शरीर के किसी संवेदना को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि शरीर है कि नहीं है। तो दो बातें देखनी है अपने को, एक तो सेल्फ को देखना है
की कल्पना चित्ता को देखते हुए, फिर शरीर को देखना है शरीर में होने वाले किसी संवेदना को पढ़ने के आधार पर। इतना काम बस हमको स्टेप वन में करना है एक्सरसाइज टू के। बहुत ही सिंपल है, इसको अगर ठीक से हम करेंगे तो उससे एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष यह है कि हम देख पाते हैं कि सेल्फ भी है और बॉडी भी है, और ये दो अलग अलग प्रकार की वास्तविकताएं हैं, अलग अलग प्रकार की रियलिटीज हैं, और इनको जब हम स्टडी करने जाएंगे तो इनके बारे में बहुत सारा अलग अलग हमको पता चलेगा। बट प्रेजेंटली हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि सेल्फ भी है और बॉडी भी है, ये दो रियलिटीज हैं, इसको हम लोग अभी देख पा रहे हैं। सेल्फ को देखने का काम अपना चिंता को देखकर कर रहे हैं, शरीर को देखने का काम शरीर में होने वाली संवेदना को देखने के आधार पर। इतना भर काम है, और बहुत सिंपल काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो हम लोगों ने एक्सरसाइज वन के स्टेप वन के बारे कहा था, जिसमें हम सेल्फ के बारे अवेयर हो रहे थे। अब एक्सरसाइज दो में उसी बात को ज्यादा एम्फेसिस के साथ और वाइडर पर्सपेक्टिव में देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि अब हम लोग सेल्फ के साथ साथ बॉडी को भी देखने का काम करेंगे। बॉडी को देखने का काम करेंगे तो बॉडी के साथ जो इंटरेक्शन है उसको भी फिर देखने का काम करेंगे, वो सब चीजों को आगे ऐड करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग ये फोकस रखना चाहते हैं कि हम अपने को देख सकें, अपने शरीर को देखें, अपने को देखें कल्पनाशीलता के आधार पर, शरीर को देख सकें उसमें होने वाले किसी संवेदना को पढ़ने के आधार पर। इतना ध्यान देने का वस्तु है मेरी तरफ से। इस पर कोई प्रश्न है तो हम लोग बात कर सकते हैं। जी शर्मा जी बताइए।